सुप्रभात सभी साथियों को। आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत 11 बजे से, और फिर से हम शुरुआत कर रहे हैं अपने खेत से, और हम चौथी बार कर रहे हैं अपने खेतों में थिनिंग। इस बारी आप देख सकते हैं पेड़ हो गया है मैक्सिमम क्लियर। अब आपको लास्ट टाइम ये बिल्कुल क्लियर करते बार ही नज़र आएगा, थोड़े से सेब बचे हैं। मतलब जब हम पाँचवीं बार अपना सेब तोड़ेंगे तो क्लियर ही करेंगे। कुछ सेब ऐसे हैं जिनमें अभी तक कलर नहीं आया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखो आप, इससे अभी तक हमने एक सेब भी नहीं तोड़ा। और आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, हमारे साथ सेब तोड़ने में जुड़े हैं 3 युवा साथी। ये देख सकते हैं आप, अपना नाम बताएंगे भैया यार आप? हाँ, मेरा नाम दीपजनोली। दीपजनोली, और भैया आपका? प्रकाश खड़गा। प्रकाश खड़गा, और उनको हम प्यार से बुलाते हैं गोलू भाई। गोलू भाई, ये अब हम साथ साथ बैग भी पकड़ते हैं। और अभी कलर देखो आप, कैसा कलर है भैया? बहुत बढ़िया, बढ़िया है ना? पूरी लाल। हाँ, अभी आया लाल अच्छे से, क्योंकि थिनिंग करने का यही फायदा होता है भैया। यार आप भी खाली बैग उधर ही लेके गए। ओ यार खाली बैग पकड़ो 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 वो खाली बैग। ये देखिए दोस्तों, हमें ये सामना करना पड़ता है वीडियो बनाते बनाते। अब बंदे फ्री नहीं रहने चाहिए ना यार, हमारे पास बंदे ऐसे जोश वाले, इनको काम चाहिए कंटिन्यू। क्यों फ्री नहीं रहने चाहिए? बोले बैग दो खाली, फिर भरेंगे इनको। आप भी बोल सकते हैं कहाँ कहाँ आना है आपको। हाँ, और गोलू भाई मैं आपको बता दूँ भाई, ये रैप गाते हैं नेपाल के साथ ही, काफी अच्छा रैप गाते हैं। कभी हमारे को टाइम मिले तो इनका एक रैप सुनाऊंगा भाई। बड़े अच्छे है यार। यस, अब बंदे का टैलेंट है ना भाई, स्पोर्ट करना बनता है। अच्छे गाते हैं यार, मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। बाकी अभी क्रेटे भर लेते हैं और बैग पकड़ लेते हैं। बैग बैग। लंच करके हम हो चुके हैं समाप्त, और ब्रूनो भी लंच के बाद ले रहा है नैप, क्योंकि ये लेता है कुछ घंटों की नैप बोल सकते हैं, उसके बाद ही हो जाता है गायब। और आजकल सिचुएशन ऐसी है कि मेले के बाद 3 दिन हो चुके हैं, हमारा पानी नहीं है, जिसके चलते वो ड्रम वहाँ पर होता था। आजकल बारिश हो रही है तो ऊपर से पानी आता है, इसलिए हम कर रहे हैं पानी को स्टोर। ये होते हैं देसी जुगाड़ जब पानी नहीं आ रहा होता है। बाकी अब पानी आ सकता था अगर हमारे फिटर जी थोड़ी मेहनत करते, पर वो ऐसे बंदे हैं कि वो फ़ोन भी नहीं उठाते, उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता, उनको चाहे जो बोले। एग्जांपल दिखाऊं मैं, फ़ोन करूं उनको। देखो ये वाला व्लॉग मैं फेसबुक पे भी डालूंगा ना। अब डेमो देने की आवश्यकता सभी को ही ऐसा लगता है। डेमो नहीं यार, काम है भाई, सैलरी मिलती, इग्नोर। अभी देखिए हम अपने फिल्टर जी को फ़ोन कर रहे हैं। हम आपको नंबर दिखा नहीं सकते हैं, बट ये देखिए स्पीकर के माध्यम से आपको आवाज़ जा रही होगी कि कॉल जा रहा है। बट इनको 10 कॉल करेंगे तब भी नहीं उठाएंगे, उठाएंगे तो बोलेंगे, फिर फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, फिर बोलेंगे तुम ज़्यादा ही बोलते हैं। बोलना पड़ेगा यार, अत्ती करते थे यहाँ ला लेते, 3 दिन से पानी नहीं है भाई। सोचो यार, और ड्रम पर था यहाँ से यहाँ ला लिया, तब भी पानी नहीं है। ये नहीं सुनते कॉल, तब ये नहीं सुनते, इनको फ़र्क ही नहीं है। इवन मैं तो सच बोलता हूँ भाई, एक बात तो मैंने कंप्लेंट भी की, तब भी इनको डैमो थोड़ा ही पड़ा, अब और करनी पड़ी कंप्लेंट। ये देखो डैमो के लिए दूसरी बार भी कॉल करते हैं हम, ये नहीं सुनते दो चार पांच। अरे ऐसे ही लाइव प्रूफ दिखाना पड़ता है ना, कर नहीं सुनते क्या? पापा नहीं दिखनी कॉल की। देखिए साथियों, यही होता है लापरवाही का नतीजा, अगर कोई बंदा कुछ बोलेगा नहीं ना। एक फिटरी खेड़ी है, ये सुनते नहीं किसी की। अब मैं फेसबुक पे वीडियो डालूंगा, देखेंगे तो देखेंगे। फोन ही काट दिया। देखिए साथियों, इतना भी क्या बिजी रहना कि 3 दिन से बंदों के पास पानी नहीं है, बारिश का पानी यूज कर रहे, कोई फर्क ही नहीं है, छोड़ो। अब जब मीटिंग होगी तब फिर से ये वाला मुद्दा भी हमें उठाना पड़ेगा। बाकी अभी चल पड़ते हैं सेब तोड़ने। मम्मा और मैं ही मेहनत करते, मेरी बहन घर में रह के बस कुछ नहीं करती है ना। मम्मी चपली लाइन देने, चपली का जूस चलाना जा। चलो दोस्तों, मिलते हैं अब आपसे खेत में, सेब तोड़ते हैं फिर से। थिनिंग करके साथियों हम हो चुके हैं समाप्त, थिनिंग हमारी पहुँची है सेकेंड खेत में। अब भैया वगैरह क्रेटे ला रहे होंगे। बाकी अभी मौसम भी साफ हो गया है, सुबह स्टार्टिंग में तो ख़राब था, और आजकल ब्रूनो भाई की ऐसे हालत है कि ये सुबह सुबह गायब होता है, तो इसको बांधा होता है। बाकी आप देख सकते हैं इसको, क्या आपको इसमें कुछ अपडेट नज़र आया? वैसे आलसी बहुत है यार, जब तो इसको लस्सी दे दी ना भाई, तब तो ये उठेगा ही नहीं। क्यों ब्रूनो? मैं ना खाई नहीं यार तू किसी को, ठीक है?
और सही में मैं सभी साथियों से यही कहना चाहूँगा, अगर किसी के घर पे पप्पी है तो भाई वो प्लीज़ उसको रेबीज़ के इंजेक्शन ना टाइम से लगा लेना, क्योंकि आगे जाके आपका पप्पी किसी को खाए तो सेफ रहना आवश्यक है। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है जिसके घर में पप्पी है। और मैं आपको बताऊँ, अभी आया है टेम्पू रोड़ी का, तो वो आगे रोड़ी उतार रहा है। वाह, और ये चल पड़ा, देखो ब्रूनो सुनता नहीं है, सुनता कम आ जा। खाना खाना खाना, लस्सी 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 लस्सी। और भाई इसने मेरे प्यूमा के इंसोल खाए हुए अंदर के यार, शू के ऐसा लालची कुत्ता है ना, मेरे स्निकर खराब कर दिए। इससे ज़्यादा प्यार है मुझे, ठीक है इंसोल ना खाइयो, क्या 80 पर ऊपर जा पाएगा साथियों, देखते हैं। चले गया छोटे, ये यार बड़ा प्यारा है ये। ना ना प्लीज प्लीज, बस हो गया हो गया हो गया हो गया, ओके 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 ठीक है, वॉक पे चलते हैं। ओके चाय तो पिला ले ब्रो, यार मैं इतना काम करता हूँ साथियों और मेरी बहन मुझे टाइम से चाय भी नहीं पिलाती। अभी मैं आया था अपनी सड़क में घूमने और हमें नज़र आए हैं हमारे लंबू भाई, बोले तो अंशु दादा। अंशु दादा के साथ आपको नज़र आ रहे होंगे गोलू दादा। घोड़े कम आ जा, ये अंगड़ाइयाँ लेता हुआ गोलू, देख सकते हैं आप इसे, बोले ये देखो 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 देखो, देखो। ओह अच्छा, ये एक तो ज़्यादा ही एक्टिव है साथियों, ये भागता है गाड़ी के पीछे, तेने इसको गाड़ी के पीछे भागना सिखा भाई। और ये बंदा यहाँ अपने घर के ऊपर अपनी क्रेटों की रखवाली कर रहा होता है, इसको लगता है कि इसकी क्रेटे भाग सकती है किसी की पिकअप में। तो अभी हम देखेंगे क्या गोलू दादा गाड़ी के पीछे जाते हैं या नहीं। हॉर्न बज चुका है, गोलू दादा को अवेयर कर दिया गया है, गाड़ी भी आ चुकी है और गाड़ी चले गई, पर गोलू दादा ने इस पर ध्यान नहीं दिया, आवाज़ें मार दी गई है। गोलू दादा मुझसे मिलने आ गए, ऐसे होते देखो शरीफ पप्पी। पानी आ रहा है तेरे छोटे भाई, कब से? मेरा तो आ रहा है, मेरा टूटा ही नहीं। तेरी दूसरी सप्लाई है? टूटा है मेरी दूसरी सप्लाई, इसकी दूसरी सप्लाई है मेरी दूसरी, और मेरा पानी ही नहीं आ रहा, किस्मत ही खराब है। आज तो तेने बंदे भी इम्पोर्ट करा दिए भाई, कहाँ से लाए? वो पार देखो, इसने बंदे भी स्पेशल सेब तोड़ने इस गांव से बुलाए हैं, नसारी गांव से। हमारे गांव में इतने बंदे सेब तोड़ने लगे कि बंदूक ही कम हो चुकी है, क्यों घोड़े। और अक्षु दादा भी आ चुके हैं वो वक्त पे, हम सभी बढ़िया है कमेंट करके साथियों, आप भी बताएं। अक्षु सब्सक्राइब, अक्षु दादा ने हाल चाल पूछा, वो हेलो मिला, बाकी चलो ठीक है। अब हम वॉक पे जाते हैं, देखो इधर भी क्रेटे क्रेटे है, पानी भी अपना लास्ट लिमिट तक पहुंच चुका है। तभी मैं साथियों आपको कह रहा था कि पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है हमारे, और आप देख सकते हैं यार टैंकी में भी पानी ख़त्म हो गया। वो जो आपने नीचे ड्रम देखा वो भी पहले अगर आपको याद होगा इस पॉइंट पे होता था, फिर जैसे बारिश होती है लंटर के ऊपर से पानी, फिर इस पाइप से जाता है नीचे, तो हमने वो ड्रम ला लिया है यहाँ ताकि हमारी जो पानी की कमी है वो पूरी हो सके। इस वाले पॉइंट से व्यू अच्छा नज़र आता है, आजकल बारिश हुई है ना तो आगे तक अच्छे से साफ दिखता है, कैमरे से उतना दिख नहीं पाएगा आपको। और मैंने चेक किया 17 को है फुल मून, वैसे मैं काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखता हूँ ना जब फुल मून होता है। बाकी अब सोच रहा हूँ इस व्लॉग को आज हम यहीं पर एंड कर लेते हैं, तो ठीक है मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, बाय। प्रूनिंग हमने कर ली है समाप्त, प्रूनिंग करते वाह, प्रूनिंग नहीं थी नहीं, वाह।